देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी ऑफ आवर मीडिया इंडस्ट्री, हमारी सिल्वर स्क्रीन की वो पर्सनालिटी जिनके बारे में हमने हमेशा जब भी सुना, चाहे उनके कोलीग्स हो, चाहे उनका हम एक्टिंग टेन्योर देखें जो कि अब तक चल रहा है माशाल्लाह, मूवीज़ नहीं है, टीवी है, ड्रामा, बहुत से प्लेटफॉर्म्स है उस पर चल रहा है, हमेशा अच्छा सुना है। ना सिर्फ उनके काम के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनके एटीट्यूड और बाकी को स्टार्स के बिहेवियर के बारे में। और मुझे सबसे ज़्यादा उनके साथ अब जो अट्रैक्शन होती है वो इसलिए क्योंकि लोग मुझे ना बार बार लिंक कर रहे होते हैं, हालांकि मुझे कहीं से नहीं लगता, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या मैं बहन हूँ उनकी, क्या कहीं से हम रिश्तेदार हैं, मैं उनकी कज़न हूँ। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ हमारी बहुत प्यारी मदीहा अफजल, जिनको आप सब जानते हैं साहिबा और साहिबा रेम्बो के नाम से। अस्सलाम वालेकुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। पहले बताएं मुझे, मैं आपको साहिबा कह के बुलाऊँ जिसे सब जानते हैं? नहीं, मुझे साहिबा ही कह के बुलाएं, जो नाम फेमस होता है और जिस नाम से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और लोग जानते हैं, तो उसी नाम से बुलाना ज्यादा अच्छा है। बेहतरीन। तो साहिबा इस वक्त तो खैर हम मौजूद हैं और आज हमारा बड़ा अच्छा दिन गुजरा आपके साहिबा सिग्नेचर सैलून के ऊपर, लेकिन उसके बारे में जितनी वीडियोस हैं, जैसा हमने काम किया, जो लुक्स थी, वो हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन आज आपके साथ जनरल बात कर रहे हैं। आपने भी ये सुना होगा कहीं ना कहीं से कि जी लोग कहते हैं आपसे मुझसे शक्ल मिलती है, किसी और पर कभी कहा? हाँ, आप हमारे एक दो इवेंट्स पे आई हैं, बल्कि एक दो नहीं, 2-3 इवेंट्स पे आई हैं। सैलून की लॉन्च पे भी आई थी, और वैसे भी हमने भी एक और भी काम इकट्ठे करते रहते हैं। तो जब भी कोई तस्वीर आपके साथ लगती है या कोई वीडियो लगती है सोशल मीडिया पे, तो नीचे कमेंट्स आए होते हैं, बल्कि उस सारी दुनिया को आप ये छोड़ दें। अक्सर ये होता है कि जैसे आई हैव एन आईफोन, तो हमारे फोन में जो पिक्चर्स पड़ी होती है ना, तो वो आप खुद ब खुद नाम दे रहे होते हैं। तो जहाँ मेरी कैटेगरी आती है और मेरे पास जहाँ जहाँ फोन में आपकी पिक्चर पड़ी है ना, वो मेरे नाम के साथ आपकी पिक्चर दे रहा होता है। तो यानी ये फोन के आइडेंटिफिकेशन में भी आप, ये गलत भी हो सकता है कि मैं जहाँ जहाँ फेस रिकग्निशन लगाऊँ, आप कुछ भी लॉक कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि अब मुझे मोबाइल पे वो जो फेस लॉक है ना, वो खोलना पड़ेगा। खोल सकती हैं ये। मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था साहिबा? बचपन मेरा जैसा होता है स्टार्स के बच्चों का, मतलब माँ बिजी और मैं बस खालाओं के पास, मामूओं के पास, नानी के पास, तो इसी तरह। आप शरारती थी? नहीं, बिल्कुल भी। मैं उसी सोबर होती थी, बहुत चुपचाप बिल्कुल, और कभी गुस्सा आ जाना तो बस आंखें और ज्यादा बड़ी हो जानी। और अच्छा, यानी जब कोई बहन भाई कजन्स में लड़ाई होती थी तो आपका क्या एटीट्यूड होता था? लड़ती थी, नाराज हो जाती थी, रोती थी, या शिकायत लगाने पहुंचती? नहीं, मेरा ना हाथ उठ जाता है। अच्छा। हाँ, हाथ उठ जाता है मेरा, और मतलब कि मुझे बस गुस्से का यही इजहार आता है कि मेरा उसके बाद फिर क्या रिएक्शन होता है? अपनी आदत करनी शुरू की है। उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होता है? आप अपोलोजाइज करती हैं, आप कहती हैं नहीं जो मैंने किया वो ठीक था? नहीं, करना फिर मुझे बहुत मतलब रिग्रेट होता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए। बहुत कई दफ़ा मैंने फिर अल्लाह मियाँ से माफ़ी भी मांगती हूँ कि मुझे गुस्से में ना, वाकई गुस्सा हराम इसीलिए है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, होश ही नहीं रहता, निकल जाता है इंसान के। हाँ, तो गुस्से में तो होश नहीं रहता इंसान। आपके फिल्म इंडस्ट्री के करियर की बात करें तो आपने ऐसी ऐसी सुपरहिट फिल्म्स की हैं, फिर आप रेम्बो साहब के साथ तो थी, लेकिन अक्सर वो एक दौर था जिसमें 2-2 पेयर्स हुआ करते थे, 2-2 कपल्स होते थे। और कभी आपने श्रीलंका में काम किया, आपने शबी मार, मैडम शबी मार के साथ काम किया। सो श्रीलंका के बारे में पूछूंगी कि आपका एक गाना भी था और आपने हाथियों के साथ काम किया, तो आपको डर लगता है? ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली आपको? ये तो मैंने सारा कुछ देख रखा है। सो वो कैसे किया आपने? आपको डर नहीं लगा? यार नहीं, उस वक्त पता है क्या, उस वक्त शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, तो वो टीन एज ऐसी एज होती है जिसमें कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, कोई पीछे बच्चे नहीं रो रहे होते, अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं होता। मुझे लगता है कि शुरू में बल्कि आप ज्यादा थोड़े टच मी नॉट टाइप होते हो, बाद में जाके आप बोल रहे हो, जब आप एक मदर बन जाते हो ना, फिर आप इतना कुछ देखते हैं। नहीं, मैं उस तरह की बात नहीं कर रही, जैसे कि टीन एज में ना आप ड्राइव भी आहिस्ता नहीं करते है ना, आप हर डेयर कर लेते हो। मैं उस तरह की बात कर रही हूं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, उसमें कोई डर नहीं होता मरने का या कुछ ऐसे। जब आप मैरिड हो जाते हो, बच्चे हो जाते, फिर आगे उनके फ्यूचर का भी अभी जरूरत है इनको, और इस टाइप का हो जाता है ट्रू केयरिंग पर्सनैलिटी। तो मुझे ये बताया कि फिल्म्स का तो हमने डायरेक्ट जिक्र कर लिया, लेकिन ये बताइए कि फिल्मों में आप आई कैसे? यूजुअली ऐसे होता है हमारी इंडस्ट्री में, या तो एक रुझान होता है कि तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बच्चे आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते। अब आपके बहन भाई में भी ऐसा कुछ नहीं हम देखते, लेकिन क्या था, कैसे आप आई? आपको आराम से इजाजत मिल गई, मदर का था आप या फिर आपका खुद का शौक था? नहीं, मेरा खुद का शौक था। अपनी मदर को ही देख के, जाहिर है जब उन्होंने कहीं साथ जाना तो वो फेमस थी, लोगों ने इकट्ठे हो जाना, फिर इस तरह की चीज़ें देख देख के तो आप इंस्पायर ज़रूर होते हो। तो मेरा भी दिल चाहता था कि मैं ऐसे मैं भी आऊँ, स्क्रीन पर आऊँ। तो कितनी हेल्प मिली, कितनी सपोर्ट मिली? बहुत सपोर्ट मिली। अगर आपकी फैमिली का कोई भी स्पेशली पेरेंट्स आपके शोबिज में हो तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है ना, कोई मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता। डर होता है, खौफ होता है। और मेरी ज़्यादातर जो फिल्में हैं वो मुल्क से बाहर होती थी, और मैं एक अकेली हीरोइन वो हूँ जिसने खेतों में डांस नहीं किया। वाह! ये वैसे मैं एक दिन सोच रही थी, फिर मुझे ये हुआ कि हाँ सिर्फ मैं ही रही कि जिसने कभी खेतों में डांस नहीं किया। आपकी ख्वाहिश थी कि आप करते? नहीं, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया ये कि मैंने खेतों में डांस करना रह गया। लेकिन वैसे साहिबा अगर हम देखें तो माशाल्लाह आपने फिल्म्स में किया, ड्रामाज में किया, एक्टिंग की, मॉडलिंग की, सैलून है, और कि क्या चीजें रन नहीं करती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो भी एक रह गई, एक होता है ना एक टिक बॉक्स आपका, एक टिक मार्क रह गया है, कौन सा कोई ऐसी चीज है जो आप चाहें कि अभी तक नहीं हुई? एक तो खेतों में डांस हो गया। नहीं, वो कोई विश नहीं है, लेकिन चलो वो तो कभी भी हो सकता है। नहीं, वो नहीं है। हाँ, कोई है मुझे, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनती नहीं है। मुझे शौक है एक्शन मूवी में काम करना। वाह, एक्शन! यानी आप खुद एक एक्शन थ्रिलर में काम करना चाहिए। तो आपका खुद का बनाने का इरादा है? उसमें मेरी फाइट हो, वाह, उसमें जो सब कुछ हो जाए, और मैं फिर मेरी एंट्री हो रही हो और मैं गन लेकर, या मुझे फाइट इतनी, मैं अगर बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो तो उसमें मैं बाकायदा फाइट की ट्रेनिंग लेकर और वो इफेक्ट्स वगैरह डाल के, तो वो फिर जाहिर है शूट जिस तरह करते हैं आजकल, हाँ, तो वो वाला बस मेरा दिल चाहता है। ये एक चीज वैसे बड़ी डिफरेंट है। इस इंटरव्यू में एक नई बात मिली है अरूबा के, इस इंटरव्यू में आपको पहली बार साहिबा की एक ऐसी ख्वाहिश जो कि सिर्फ मैंने अरूबा को बताई, बताई। क्या बात है साहिबा! सो माशाल्लाह, अब मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे उनमें से अगर कोई आना चाहे, क्योंकि कभी आप नहीं ऐसे लेकर आई स्क्रीन पर, कोई आना चाहे तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, आपकी क्या प्रेफरेंस होगी कि वो किस साइड में जाएं, किस फील्ड ऑफ लाइफ में जाएं? जो हमारा शोबिज है उसमें हर जो भी फील्ड, जो भी मीडियम, साथ साथ आपको बता के चलो हमारे पीछे को खांसी चल रही है, कभी वॉक चल रही है, कभी पीछे से समोसे आप लोग को गिरते नजर आ रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, यहाँ पर पोल्यूशन मचाई गई नॉइज की। तो आप अभी थोड़ी देर में शायद जाए नहीं जाए, पता नहीं क्या, व्हाट इज ही अप टू, कभी इधर आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हम भी काम करते रहेंगे, हम भी नहीं रुकेंगे। अच्छा, आपके बच्चों के बारे में बात कर रही थी। नहीं, उनको इंशाल्लाह जो भी वो करना चाहे जी। एक मेरा बेटा है जैन खान, उसको सिंगिंग का शौक है। अच्छा। और अच्छा गाता भी है। मैं खुद बड़ी, मैं उसकी आवाज़ सुनकर बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त गाता है। नहीं, मुझे ये नहीं, हम दोनों में से गाना किसको आता है? लेकिन मल्टी टैलेंटेड है ना, जरूरी तो नहीं कि सेम टैलेंट आए, बट एटलीस्ट। और एक जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा ऐसा खान, उसको मॉडलिंग का भी शौक है, उसको एक्टिंग कहता है कि शायद मैं कर लूँगा, लेकिन वो डांस बहुत शौक से करता है, सिंगिंग भी करता है, और मतलब उसे है शौक, दोनों को है शौक।